देखिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कुर्सेला आ रहे हैं, उसी को लेकर आज मसदिया में बैठक की गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं राजद नेत्री बेबी कुमारी, वो क्या कुछ कह रहे हैं जनता से, सीधे उनसे हम रूबरू होते हैं। जी मैडम बताइए। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, युवा दिलों के धड़कन, हम लोग के सिरमौर, कटिहार के धरती पर उनका स्वागत है। वो आ रहे हैं हम लोग के बीच संदेश देने कि आप लोग 3 तारीख को आइए और हम वहाँ महारैली का आयोजन किया गया है, वहाँ आके तेजस्वी जी का सुने। 3 मार्च को मैडम कुर्सेला 26 तारीख को आ रही हैं, तेजस्वी जी उनके बारे में क्या कहेंगे? जी हमारे नेता आ रहे हैं आप लोग को संदेश देने कि आप लोग आइए और हमारे साथ जो अन्याय किया गया है हमारे नेता के साथ, उनको सुनिए और विचारिए कि क्या सही में उन्होंने जो नौकरी दी वो बीजेपी की सरकार को दर्द हुआ कि हमारे नेता इतना नौकरी बांट रहे हैं और हम घर में बैठे अक्षत बांट रहे हैं, तलवार बांट रहे हैं। तो इसी चीज़ का उन्हें गम। हमारे नेता का कहना है जब समय आएगा तेजस्वी आएगा और कोई नहीं आएगा, जब किन्हीं को काम लगेगा तो तेजस्वी आएंगे। हमारे नेता का लक्षण है कि कहीं कोई दर्द में रहे, कोई गम में रहे, हमारे नेता वहां जाने का काम करते हैं। समय आने पे तेजस्वी जी ही जाते हैं, लालू जी ही जाते हैं और कोई नेता हवा हवाई हैं और गरीब के बीच किन्हीं का पैठ नहीं है, किन्हीं का जगह नहीं है। कि 26 फरवरी को माननीय बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी कुर्सेला आ रहे हैं, इसी को लेकर जो है जो पूर्व बराड़ी विधायक स्वर्गीय नीरज यादव जी के पत्नी कुमारी बेबी कुमारी यहां पर आए हुए थे और बैठक करके सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को जो है संबोधित कर रहे थे कि जो वो 26 फरवरी को आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए सभी कुर्सेला पहुंचे और उनका भव्य स्वागत करें, उनकी बातों को सुने कि जो 26 तारीख को कहने जा रहे हैं सभी पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी महागठबंधन में वो सभी आवे और उनका स्वागत करें। तो आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि जो बेबी कुमारी है, जो राजद नेत्री बेबी कुमारी है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए आगे वीडियो में। परिवार की ओर से आए हुए पूर्व विधायक पत्नी अब मैं पूर्वी मोरापुर के पूर्व मुखिया श्री गगन मालदा जी से आग्रह करेंगे, वो अपना सम्मान राजद के मजबूत सिपाही तेजस्वी यादव जी का आगमन कटिहार में होने जा रहा है, तो हम सभी साथी जोश से उनका साथ दें और उनके कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ उपस्थित जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेतागण हैं सबों को मेरा प्रणाम, आदाब और सलाम। यहाँ मंच के नीचे जो जनता बैठी हुए हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, दोनों हाथ जोड़ के उनका भी सम्मान करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच हमारे पति नहीं हैं, बड़ी दुख के साथ हम आप लोग से हाथ जोड़ के, हम कभी सोचा नहीं था कि हमको राजनीति में आना होगा, हम सपना में भी मैंने नहीं सोचा। मैं तो हाउसवाइफ थी और लाचारी समझिए, बेवसी समझिए, जो समझिए, हमको आना पड़ा मजबूरन। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि तुम जनता के बीच जाओ और कार्यकर्ता के बीच रहो, तुमको हम टिकट देने का काम करेंगे, जनता मालिक तुमको जिताएगा, जनता के की आज्ञा का मैं पालन कर रही हूँ। और मेरे पति के बारे में आप लोग जानते हैं कि उन्होंने जो काम किया है वो किसी से छिपा बात नहीं है और हमें कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी घर की बहू हूँ, आपकी परिवार की बहू हूँ। मेरे साथ जो लाचारी है, जो बेवसी है, हम खुल के नहीं बोल सकते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है और आप लोग खुद समझदार लोग हैं।
26 तारीख को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी आ रहे हैं कटिहार, कटिहार से फिर आपका कोढ़ा होके घेरावारी से यहाँ आएंगे डुमर, डुमर से फिर समेली, समेली से कुर्सेला। आप लोग उनके स्वागत में कुर्सेला वासी कुर्सेला में रहेंगे और बरारी के लोग बरारी में रहेंगे और समेली के लोग समेली में रहेंगे। यही हम घूम घूम के आप लोग को संदेश पहुंचा रहे हैं कि आप लोग हमारे नेता के लिए तैयारी कीजिए, उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिवादन कीजिए जो अपने बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई तलवार बांट रहे हैं, हमारे नेता कलम बांट रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने वादा किया कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, अब तेजस्वी जी एक शब्द झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने 10 लाख नौकरी 17 महीने में 4.5 लाख नौकरी देने का काम किया। 17 साल बनाम 17 महीने में जो उन्होंने काम किया वो देखने योग्य बात है। आप लोग कभी जानते नहीं होंगे कि 17 महीने में 4.5 लाख नौकरी बांटी जाती है, कभी सुने हैं? तो नौकरी उन्होंने जो काम किया है उनका आप लोग जो काम का जो वाजिब उनका बनता है वो देने का काम करा अपने वोट से, वोट के माध्यम से। यही आप लोग को उन्होंने संदेश देने का काम किया करने के लिए आपके जिला आ रहे हैं और बिहार के पूरे जिला में जाके उन्होंने अपना रैली 3 तारीख को पटना में है, वहाँ आप लोग से आग्रह विनती है आप लोग वहाँ भी चल के उनका स्वागत करें और उनका जो संदेश है सुनने का काम करें और अपने अपने दिमाग में उनका जो होगा सब लागू करने का काम करेंगे। यही मैं आप लोग से विनती करती हूँ, स्वागत करती हूँ आप लोग का। जो हमसे जो त्रुटि हुआ होगा बोलने में आप लोग गार्जियन समझ के माफ कीजिएगा। मैं तो हाउस वाइफ हूँ और आप लोग के बीच के साथ मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ। जय राजद, जय तेजस्वी, जय लालू, जय राजी।